जब इरा दमोह जिले में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला एवं भूमि पूजन के साथ ही पूरी देश राम की भक्तिमय हो गया था और राम काज करवे में आगे रहे बनारू को ऐसे पर्व पर कैसे भूला जा सकता है। और वानरों की सेवा भक्ति के चलते अपने अपने अंदाज से कहीं झंडे लगाकर पूजन तो कहीं मीठा खिलाकर अलग अलग तरीके से राम मंदिर के निर्माण के लिए खुशी जाहिर की जा रही है। वही एक राम भक्त ने सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती वन अभयारण्य में समाज सेवी लकी सलूजा ने वानरों को फलों का भोजन करवाया तो गरीब बच्चों को मिष्ठान वितरण करते हुए अपनी खुशी का इजहार अपने अलग ही अंदाज में किया। उनका कहना था, राम के अनुयायी श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज जिन्होंने वानर सेना के साथ रावण लंका को सेना को परास्त कर सीता को वहां से मुक्त कराया। वानरों के बिना कोई कार्य शुभारंभ नहीं किया जा सकता तो इसलिए जंगल जाकर अभयारण्य में वानरों की सेना को केले फलों को खिलाया। वहीं ग्रामीण अंचल जंगल ग्राम में बच्चों को फल व मिष्ठान वितरित किए। जल्दी जल्दी कर जो यार, क्या कर रहे हैं। अरे रेडी, जय श्री राम। 5 अगस्त बड़ी ही अद्भुत डेट थी पूरे भारतवर्ष के लिए। बड़ा ही शुभ समाचार मिला जब हमारे रामलला जी के मंदिर का प्रथम स्टोन रखा गया। और रामलला जी का जब भी नाम लिया जाए तो उनकी वानर सेना के बिना ये काम अधूरा सा लगता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम अगर इस जश्न में उनको शामिल करें तो वो ज़्यादा बहुत खूबसूरत और खूबसूरत हो जाएगा। इस खूबसूरती को करते हुए आज हमारी टीम ने
पूरी टीम ने यहाँ सिंग्रामपुर के जंगलों में जितने भी हमारे वानर सेना हैं, हनुमान जी का प्रतीक जो हमारे बंदर के रूप में यहाँ पर हैं, उनको सबको केले वितरित किए गए, उत्साहपूर्वक की बात मनाई गई और ऐसी प्रार्थना की गई ईश्वर से कि इस काम को बहुत जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए ताकि आगे हम अयोध्या जाकर सभी लोग राम जी के दर्शन कर पाएँ। धन्यवाद।